सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम। इसके लिए मान लेते हैं कि पॉइंट ओ पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू है और हमें किसी एक पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज दिया है क्यू नॉट, जो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, जैसा भी है हम पॉजिटिव लेके निकालते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कूलम्स लॉ में, लेकिन हमें यूज करना है किसका, गॉस थ्योरम का। अब गॉस थ्योरम में क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका हमें यूज करना है। ये होता है गॉस थ्योरम की वजह से, ये हमने पढ़ा है, क्लियर। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फीयर बना ले। क्यों, गॉसियन सरफेस एक 3D फिगर होता है, जो कि पॉइंट जो दिया है इसका एक सिमेट्रिक फिगर बनना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेचुएटेड हो। अब सिमेट्रिक फिगर, अगर ये डिस्टेंस हम r मानते हैं, सिमेट्रिक फिगर हम एक स्फीयर बना लेते हैं जो कि कन्वीनियंट रहेगा इसके लिए निकालने के लिए। तो अब पहले यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, कोई एक एरिया एलिमेंट dA है, तो उसका डायरेक्शन इधर हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका dA से भी पास होंगी, तो जो कुछ पास होंगी उसकी वजह से यहाँ फ्लक्स होगा। तो dA की वजह से जो फ्लक्स होगा वो मान लेते हैं डी फाई ई है। तो डी फाई ई क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में ई इंटू डी ए आ जाएगा, क्लियर। अब हमें टोटल सरफेस से निकालना है, तो क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू स्फीयर, जो टोटल स्फीयर बना है स्फेरिकल यानी गॉसियन सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स फाई ई मान लें, तो अब डी फाई ई का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना होगा, ई इंटू डी ए का। ई आपका सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, तो वही रहेगा, इंटेंसिटी बदलेगी नहीं। चेंज आपका क्या होगा, एरिया एलिमेंट हम चेंज कर रहे हैं पूरे एरिया से, पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। तो पूरे सरफेस का एरिया, स्फीयर का एरिया क्या हो जाता है, 4πr2। तो फाई ई क्या आ जाएगा, ई इंटू 4πr2। ये क्वेश्चन सेकेंड हम मान लेते हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ आपका आया था गॉस थ्योरम से। दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो दोनों ही फाई ई की वैल्यूज है, तो यहां से आ जाएगा ई इंटू 4πr2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन r2। अब अगर हमें इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नॉट है, तो एफ आपका होता है ई इंटू क्यू नॉट। वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ क्या आएगा, ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन r2, और क्यू नॉट यहां था तो क्यू नॉट यहां आ जाएगा। ये आपका कूलम्स लॉ होता है। ओके, थैंक यू। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो इस पे मान लेते हैं कोई एक वायर है हमारे पास जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वायर की लेंथ नहीं मालूम है, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लिखा गया है। अब हमें इससे पी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एल डिस्टेंस ले ली है। अब फाइनाइट डिस्टेंस ले करके फिर पी पॉइंट पर ही इसी एल सिमेट्रिक लाइन एक खींच दी है, तो दूसरी तरफ भी हम एक सिमेट्रिक लाइन खींच करके गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे ये जो एल लेंथ है, एल लेंथ में मान लेते हैं कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो वन लेंथ में यानी 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वही इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। यहां पर मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसे दिखाया है, लैम्डा से। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एल, यानी 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो जहाँ हमें क्यू मिलेगा वहाँ हम लैम्डा एल रख देंगे। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो फ्लक्स पॉइंट पी से पास होगा वो होगा या टोटल लाइन के थ्रू टोटल एल लेंथ के लिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्यू की वैल्यू रख दी लैम्डा एल, आपके क्वेश्चन वन हो गया। अब कंसिडर करते हैं ये जो गाउसियन सरफेस बना है पॉइंट पी पर, इसका एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डी ए, इसका डायरेक्शन प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इस एरिया एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स आएगा वो डी फाई अगर लें तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डॉट डी ए आएगा वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए आ गया। पूरे एल लेंथ के लिए या पूरे वायर की वजह से निकालना है तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फ्लक्स फाई ई आ जाता है, तो फाई क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि ई इसके सरफेस पे, यहाँ पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू आ जाएगी, इसके अपर पोजिशन पर देखते हैं यहाँ डी ए और वेक्टर ई दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कॉस 90 की वैल्यू जीरो आती है तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ऐसे ही नीचे पे जीरो हो जाएगा, केवल इसके सी एस ए कर्व सरफेस पे आएगा टोटल जो निकालेंगे। तो कर्व सरफेस पे ई क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा सिमिलरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो ई आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन किसका करेंगे डी ए का, तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सी एस ए निकल आएगा। अब सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, टू पाई आर एच, यहाँ एच हमने एल लिया है तो टू पाई आर एल हमने वैल्यू रख दी है फाई ई आ गया। अब इक्वेशन वन और टू कंपेयर कर देते हैं, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ से एल कैंसिल हो गया, मीन्स जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वो वायर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वायर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके क्लियर। तो अब मैं थर्ड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जिसमें हम प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब प्लेन शीट मान लो ये आपके पास है, कोई एक प्लेन शीट जैसे भी है, अब प्लेन शीट की वजह से हमें किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस शीट पर हम एक उसका एरिया एलिमेंट लेते हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस बनाते हैं, अब उसका एक सिमेट्रिक फिगर बनाते हैं, अब जो फिगर इधर बनेगा वही फिगर हमारा दूसरी तरफ उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब ये पहले इतने एरिया के लिए निकालेंगे डी ए के लिए, ये डी ए, ये भी आपका डी ए, ये भी आपका डी ए, इतने के लिए निकलेगा, फिर टोटल सीट के लिए निकाल लेंगे। पूरे सीट पर चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके तो देखते हैं यहाँ पर, मैंने आपको एक नोट्स भेजा था उसमें मैंने लिखा था, मान लेते हैं ये एक सीट है, पूरे सीट पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सीट का एरिया ए मान लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा हमने माना है। अब टोटल क्यू चार्ज एरिया ए पे डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यू अपॉन ए, तो यूनिट एरिया पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ट्रांसपोज करें तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। गॉस थ्योरम में अगर हम क्यू की वैल्यू रख दें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है तो हमें सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एक इक्वेशन मिल जाता है सेकेंड वाला। अब कंसिडर करते हैं कि सीट से पी डिस्टेंस पे, यानी जो डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एक एरिया एलिमेंट हमने डी ए मान लिया, ये भी आपका एरिया एलिमेंट ही होगा डी ए, तो फिर पूरे सीट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ डी ए का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए कैलकुलेट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इसके अपर डायरेक्शन में यहाँ देखते हैं डी ए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री पे है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, यानी सी एस ए पर नहीं निकलेगा, इस पोर्शन पे निकलेगा, इस पोर्शन पे निकलेगा, आपका दोनों तरफ निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए यहाँ पर, ई डॉट डी ए यहाँ पर, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में ई क्योंकि आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ई कॉमन हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा टोटल सीट का एरिया आ जाएगा। अब टोटल सीट का एरिया ए हमने माना था तो ए रख देंगे तो ई ए प्लस ई ए कितना हो गया टू ई ए, फ्लक्स आ गया। गॉस थ्योरम से फाई ई कितना आया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमने लिखी थी तो ये आ गया था। दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए ए कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।